आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 603वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार 2-3 दिनों से हम कांग्रेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस की क्या स्थिति है, कांग्रेस के नेता एक के बाद एक रण छोड़ कर जा रहे हैं, दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस की सदस्यता तज रहे हैं, कांग्रेस की सदस्यता छोड़ रहे हैं। आज हम चर्चा करते हैं कि क्या आने वाले दिनों में वाकई उत्तर प्रदेश नेहरू गांधी परिवार के वारिसानों से मुक्त हो जाएगा, इस बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लिमटी की लालटेन के 603वें एपिसोड में आज हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में वैसे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश नेहरू गांधी परिवार का सबसे पसंदीदा प्रदेश रहा है। सोनिया गांधी का सीधे चुनाव न लड़कर राज्यसभा से पर्चा भरना कांग्रेस के असली कार्यकर्ताओं को निराश भी कर सकता है। देश भर के मैं राज्यसभा कुल 56 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होना है और नामांकन की अंतिम तारीख कल 15 फरवरी है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने राजस्थान से नामांकन दाखिल कर दिया है। सोनिया गांधी नेहरू गांधी परिवार की दूसरी सदस्य हैं जो राज्यसभा के जरिए जा रही हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत के उच्च सदन में सोनिया गांधी दूसरी सदस्य हैं जो जा रही हैं। इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी राज्यसभा से सदन में जा चुकी हैं, उन्होंने अपना संसदीय जीवन राज्यसभा से भी आरंभ किया था। वे 1964 से 1967 तक राज्यसभा सदस्य रहीं। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के हेतु चुनी गई। उस वक्त इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में बतौर सूचना प्रसारण मंत्री काम कर रही थी। इसके बाद 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ तो उस वक्त राज्यसभा सदस्य रहते हुए पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। वैसे राज्यसभा में जाने के बाद ये साफ हो गया है, एक बात तो पूरी तरह आईने की तरह साफ हो चुकी है कि सोनिया गांधी आने वाले समय में अपने परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली से लोकसभा चुनाव को नहीं लड़ने वाली। रायबरेली के बारे में हम आपको बता दें, 1952 में सोनिया गांधी के ससुर अर्थात इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी यहाँ से चुनाव जीते थे। इंदिरा गांधी रायबरेली से 1967 और 1971 में सांसद रहीं। 1977 में रायबरेली से इंदिरा गांधी को राजनारायण ने करारी शिकस्त दी थी, बहुत जबरदस्त तरीके से हराया था। वहाँ हार का स्वाद चखने के बाद इंदिरा गांधी 1978 में दक्षिण भारत के चिकमंगलूर में से उन्होंने उपचुनाव जीता और 1980 के जो आम चुनाव हुए थे उसमें इंदिरा गांधी ने रायबरेली और उस वक्त अविभाजित आंध्र प्रदेश के मेंढक लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों पर परचम लहराया। बाद में रायबरेली सीट संभवतः इसलिए इंदिरा गांधी ने छोड़ दी क्योंकि एक बार जनता उन्हें 1977 में नकार चुकी थी। इसके बाद 2004, 2009, 2013 और 2019 में सोनिया गांधी ने रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। 2019 में सोनिया गांधी के द्वारा ये बात कही गई थी कि ये उनका आखिरी लोकसभा चुनाव है, ये बात सोनिया गांधी कह चुकी हैं। लोकसभा सदस्य के रूप में सोनिया गांधी के द्वारा 5 बार चुनाव जीता गया है। वे लगभग 77-78 साल की सोनिया गांधी के लिए पहला मौका होगा जब वे राज्यसभा के जरिए संसद में पहुंचेंगी। सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती पर राज्यसभा से चुने जाने के पीछे आखिर वजह क्या है, इस बारे में चर्चाएँ बहुत तेजी से चल रही है कि आखिर सोनिया गांधी राज्यसभा से क्यों जाना चाह रही। कांग्रेस के अंदर चल रही चर्चाओं पर अगर यकीन किया जाए तो सोनिया गांधी स्वास्थ्यगत कारणों के चलते लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही, जो बात प्रचारित हो रही है ये बात आसानी से लोगों के गले नहीं उतर पा रही क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा
चाहे आप लोकसभा से सांसद हैं या राज्यसभा से सांसद हैं, आपके काम अधिकार आदि में शायद ही कहीं अंतर रहता हो। लोकसभा या राज्यसभा, आप अगर विधान परिषद से चुने जाएं विधायक या सीधे विधानसभा में विधायक चुने जाएं, दोनों लगभग कमोबेश बराबर रहते हैं। कांग्रेस के अंदर खाने में चल रही चर्चाओं पर अगर यकीन किया जाए तो कांग्रेस को संकट से उभारने में राजीव गांधी के निधन के बाद कांग्रेस को संकट से उभारने में सोनिया गांधी की भूमिका बहुत अहम रही है। भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी का जादू जिस समय सर चढ़कर बोल रहा था, उस दौर में सोनिया गांधी ही थी जिन्होंने न केवल भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, वरन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग सरकार का कुशल नेतृत्व करते हुए मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार का गठन कराया था। उनके द्वारा सोनिया गांधी का ही प्रभाव था कि उत्तर प्रदेश में दम तोड़ रही कांग्रेस की 8-10 सीटें आया करती थी, 2009 में 21 सीटों तक के आंकड़े को सोनिया गांधी के द्वारा पहुंचाया गया था। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर समाचार एजेंसी अपीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि जब सोनिया गांधी बीमारी से जूझते हुए G23, आपको याद होगा G23 एक संगठन बनाया था, घोषित संगठन था, उसकी बगावत हुई और G23 की बगावत को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी ने ही शांत किया था। उन्होंने 2014 और 2019 के आम चुनावों में भी पूरी शिद्दत के साथ न केवल प्रचार किया वरन पूरी ताकत उनके द्वारा झोंकी गई। तब अब राज्यसभा जाने का क्या उचित है, ये चर्चाएं भी चल रही हैं। उक्त नेता का कहना था कि लगभग 2 महीने पहले एक एजेंसी के द्वारा, जो सर्वे एजेंसी होती है, एक एजेंसी के द्वारा चुनाव पूर्व कराए गए सर्वेक्षण में एक बात रेखांकित हुई थी कि 2024 के आम चुनावों में सोनिया गांधी के लिए रायबरेली लोकसभा से राह आसान नहीं है। इस सर्वे में सोनिया गांधी के साथ ही प्रियंका वाड्रा के लिए भी ये सीट कांटों भरा ताज ही साबित होगी, ये बात भी कही गई थी, ये बात सूत्रों के द्वारा बताई गई। वहीं जानकारों का ये भी कहना है कि 1999 में अमेठी से चुनाव सोनिया गांधी ने जीता था। 1999 में सोनिया गांधी के द्वारा अमेठी सीट को अपने बेटे राहुल गांधी को सौंप दिया गया था और उसके बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली की ओर रुख किया। 2019 में राहुल गांधी अपनी इस पैतृक सीट को संभाल नहीं सके और दक्षिण भारत के वायनाड की ओर उन्होंने रुख किया। अब जबकि रायबरेली सीट सोनिया गांधी के लिए सुरक्षित नहीं रह गई है, इसलिए इस सीट के साथ दक्षिण भारत की किसी सीट पर चुनाव अगर वे लड़ना चाहें तो कुछ प्रस्ताव भी मिले थे पर उन्होंने शायद उचित नहीं समझा। वैसे तेलंगाना की खम्मम, मेंढक और नालकोंडा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव उनके पास आया पर उन्हें शायद ये सम्मानजनक नहीं लगा कि 2 सीटों से एक साथ चुनाव लड़ा जाए। सोनिया गांधी का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो आप उन्हें एक अपराजेय योद्धा जिसे कभी किसी ने पराजित नहीं किया है उसके मानंद ही सोनिया गांधी दिखाई देती हैं। अब वे पलायन कर अपने आप को कमजोर साबित नहीं करना चाहते, इसलिए वे शायद दक्षिण भारत नहीं जाना चाह रही हैं। इसके बाद वे सम्मानजनक तरीके से सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ भी सकती हैं, ये संकेत भी सूत्रों ने दिए हैं। वैसे उत्तर प्रदेश की तरफ से पहले राहुल गांधी ने जिस तरह मुंह मोड़ा, उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी मुंह मोड़ चुके हैं, अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए पहले से ही एक झटका कम नहीं था। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपना ध्यान केंद्रित नहीं किए हुए हैं, अब सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा में जाने का मन बना लिया है। इन परिस्थितियों में हाल ही में हमने अभी एक दिन पहले ही लिमटी की लालटेन में कहा था कि उत्तर प्रदेश को नेहरू गांधी परिवार से मुक्त कराने का अघोषित अभियान जारी है, इस बात को मन मिलता है। भाजपा अगर मेनका गांधी और वरुण गांधी की टिकट इस बार काट देती है, टिकट नहीं देती है, तो ये बात अपने आप साबित हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश को नेहरू गांधी परिवार से मुक्त कराने का एक अघोषित ये कहा जाए कि तरीका अपनाया जा रहा है। नेहरू गांधी परिवार के कांग्रेस के वारिसानों की उत्तर प्रदेश में अनुपस्थिति या उत्तर प्रदेश से हुए मोहभंग का असर सूबे की सियासत पर जमकर पड़ने की उम्मीद है।
वैसे भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पहले की तुलना में अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और अब एक के बाद एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इसके अलावा नेहरू गांधी परिवार से सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश से अपना पूरा बिस्तर समेटते दिख रहे हैं। तब आने वाले समय में कांग्रेस के लिए राह, कांग्रेस की राह में शूल ही शूल नज़र आने लगे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, विशेषकर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए इस तरह के फैसले निराशा को जन्म देने वाले माने जा सकते हैं। लिम्टी की लालटेन के 603वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिम्टी की लालटेन देखना है तो रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर आप जाकर इसे देख सकते हैं। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिम्टी की लालटेन और अन्य वीडियोज़ पसंद आ रहे हों, अन्य खबरें पसंद आ रही हों, तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिम्टी की लालटेन का 604वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।